हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कचौरी खाना हम सबको पसंद है। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट फूड स्टॉल जरूर होता है जहाँ की हमें एकदम से खास्ता कचौड़ी भी मिलती है और हमको बेहद पसंद आती है। तो मैं शुभश्री आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज कचौड़ी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। क्योंकि हम इसको घर पे बना रहे हैं तो एक हेल्दी ऑप्शन भी बन जाता है, क्योंकि हम इसमें घर का ही तेल और घर का ही सामान यूज़ कर रहे हैं। अपने हिसाब से आप टॉपिक भी डाल सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। कचौरी बनाने के लिए पहले यहाँ पे डो रेडी कर लूंगी। डो रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये सबको हम अभी मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल। हम ऑयल ऐड करने से ये जो कचौरी होता है बहुत खस्ता बन के रेडी होता है। इसको अच्छे से अपने हाथों से मिला लूँगी। ये आप देख सकते हैं कैसे मैं मिला रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको ऑयल और मैदा ये सबको मिलानी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लूँगी। हमें डो ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी तरह डो बनानी है। अभी हमारा डो रेडी हो चुका है, इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पैन गरम करके ऑयल डाल दिया है। उसमें डाल दी हूँ जीरा, धनिया, कलौंजी और ये थोड़ा सा सौंफ। मैंने यहाँ पे सारा सामान जो है वो 1/4 टेबल स्पून ही यूज़ किया है। अब ये क्रैकल होने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग। अब हम सबको मिला लेंगे। यहाँ पे फिर मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और ये कुटी हुई अदरक। अब इन सबको मैं ऑयल के साथ भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज के प्याज को काट कर यूज़ किया है। अब हम ये सबको अच्छे से मिला लेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर और ये स्वाद के अनुसार नमक। अब ये सारे मसालों को मैं प्याज के साथ अच्छे से मिला लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यूज़ किया है। अब हम बेसन को भी इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे और अभी इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ये सबका टेस्ट बैलेंस करने के लिए एक छोटी चम्मच शक्कर डाल रही हूँ और ये कटी हुई धनिया पत्ता। अब सबको मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस। 15 मिनट हो चुका है। अभी हम डो को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डो को और 1 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से गूंद लूंगी और इसका छोटे छोटे लोइया बना लूंगी। अब मैंने यहाँ पे सारे लोइया बना लिया है। अभी हम कचौरी बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक लोई ले लिया है और इसको हाथ की मदद से ऐसे फ्लैट बना लूंगी। जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ सेम प्रोसेस से। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टफिंग डाल दूंगी। स्टफिंग डाल के इसको अच्छे से हमें लॉक कर लेना है, जैसे कि ये ऑयल में फ्राई होने के टाइम में ओपन ना हो जाए। देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। अभी लास्ट में मैं हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लूंगी ताकि ये अपना शेप ले ले। अभी सेम प्रोसेस में मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। एक लोई ले लिया और इसको फ्लैट बना लिया। अभी इसको शेप देने के बाद इसके अंदर स्टफिंग डाल रही हूँ और अभी इसको अच्छे से लॉक कर लूंगी।
लॉक करने के बाद इसको हाथ के मदद से प्रेस कर लूँगी ताकि ये अपना शेप ले ले। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे कचौड़ियाँ बना के रेडी कर लिया है। चलिए इसको अभी फ्राई कर लेते हैं। अब हम कचौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से तेल गरम करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैं एक के बाद एक कचौड़ी डाल रही हूँ। ध्यान रखना है कि यहाँ पे तेल ज़्यादा गरम ना हो। अभी हमें कचौड़ी को पलटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये ऑयल से थोड़ा ऊपर आ जाए तब इसको हम पलट देंगे। अभी हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी कितना अच्छा फूली हुई बनी है। अब ये देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। मैं इसको अभी और एक प्लेट में निकाल लूंगी। अभी सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें सारे कचौरियाँ तल लेनी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा कचौरी बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इसे अभी सर्व करते हैं। हमारे मजेदार प्याज कचौरी बनके रेडी हो चुका है। मैं इसको टमाटो केचप और चिली सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।